हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 4 चैप्टर 8 कार्ड्स एंड बिल्स। दिस इज द पार्ट 5 ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न सम एडिशनल एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस चैप्टर। चैप्टर 8 कार्ड्स एंड बिल्स। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड नेम द फॉलोइंग। So students, can you see the figure here? This is a circle given and different parts of circle is given. I already explained you. This is called the center. This line which passed from the center, that is called the diameter. Okay. And this is called the chord. Okay. And this line is called the radius. Understood? वो तो आपको पता ही है students. So students, what has to do here? Here we have to write the name, that means center. So center, which is center, which alphabet shows the center? So where is center? This point is center, right students? So which alphabet is that? That is X. तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? Center is X. So students, this center point name is X. So here you have to write which is center point, that is X. Okay. Now students, chord, chord, chord. So here we have to write the name of chord. So students, this is the chord. Okay, so ये chord है, आपको पता है chord, chord. So what is the name? St. So student, here you have to write st. Okay, now let's see next one, diameter. Here we have to write the name of diameter. Students, ये आपको पता है the chord which pass through the center, that is called a diameter, and diameter is the longest chord. तो ये आपको पता है टी फॉर डायामीटर. ओके, सो वॉट इज़ द नेम? ओ एल. डायामीटर का नेम क्या है? ओ एल. ओके, सो हियर यू टू राइट द ओ एल. देन रेडियस. स्टूडेंट्स, हियर वी हैव टू राइट द नेम ऑफ रेडियस. सो वेर इज रेडियस? रेडियस नेम यू कैन राइट लाइक दिस वे ऑल्सो. एक्स वाई इज ऑल्सो रेडियस. यू कैन से एक्स एल इज ऑल्सो रेडियस. एंड एक्स ओ यू कैन से ओ एक्स ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो रेडियस. रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके सर्कल के कोई भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस. सो दिस ट्री आर रेडियस. सो यू कैन राइट हियर थ्री नेम्स. सो विच नेम यू विल राइट? ओ एक्स इज इक्वल टू व्हाट वी राइट हियर? ओ एक्स. देन एक्स एल इज इक्वल टू एक्स वाई. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो आप ओ एक्स भी लिख सकते हो, एक्स ओ भी लिख सकते हो, एक्स एल यू कैन राइट एल एक्स ऑल्सो. अंडरस्टूड? सो दिस ऑल आर द रेडियस. सो आई हैव रिटन ऑल द थ्री नेम्स विच इज इक्वल टू, बिकॉज ऑल आर इक्वल डिस्टेंस. हर एक का डिस्टेंस क्या है? इक्वल. अंडरस्टूड अबाउट दिस? वन मोर टाइम डू द रिविजन, राइट स्टूडेंट्स? तो हमें यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्कल दिया है. सो हियर वी हैव टू नेम इट. सो एक्स इज अ सेंटर. ओके, जिस कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें नेम चाहिए ना, तो सेंटर का नेम ये फिगर के अकॉर्डिंग क्या है? एक्स. अब इफ़ आई एम आस्किंग वेर इज डायामीटर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डायामीटर? सो द डायामीटर इज ओ एल. सो आपको डायामीटर आइडेंटिफाई करके उसका जो भी लेटर दिया है वो आपको यहाँ पे लिखना है. दिस वी ऑलरेडी रिटन. अंडरस्टूड स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है? अभी हम जो भी कर रहे हैं वो फिगर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं. अगर यहाँ पे फिगर में डिफरेंट नेम है तो यू हैव टू राइट दैट नेम. बट आपको पता होना चाहिए कि किसे डायामीटर कहते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट द कॉर्ड. दैट इज कॉर्ड. कॉर्ड क्या होता है? द लाइन सेगमेंट होता है जो दोनों सर्कल के पॉइंट को टच करता है, दैट इज कॉल्ड द कॉर्ड. यहाँ पे कॉर्ड का नेम क्या है? एस टी. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर नेम ऑफ द कॉर्ड इज एस टी. तो आपको ये याद नहीं रखना है कि एस टी हर बार आएगा. इफ़ यू आर द नेम इज डिफरेंट, यू हैव टू राइट अ डिफरेंट नेम, बट जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस इज कॉल्ड अ कॉर्ड. क्लियर स्टूडेंट्स? एंड वन मोर थिंग, रेडियस. रेडियस मीन्स सर्कल के सेंटर से सर्कल के पॉइंट तक का जो भी डिस्टेंस है उसे रेडियस कहेंगे. यानी एक्स एल भी रेडियस है, एक्स वाई भी रेडियस है, एंड ओ एक्स इज ऑल्सो रेडियस. तो हमने यहाँ पे तीनों के नेम लिखे हैं. क्लियर? अंडरस्टूड अबाउट दिस फिगर? सो अगर आपको यहाँ पे फिगर अभी अगर यहाँ पे जो नेम है उसके अलावा अगर कोई नेम देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये आंसर फिल करने रहेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? लेट्स सी द नेक्स्ट वन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. स्टूडेंट, हियर अगेन द सर्कल इज गिवन विद द डिफरेंट पार्ट्स, राइट? तो फर्स्ट व्हाट टू डू हियर? सी,
OX is called dash, यानी हमें यहाँ पे नेम दिया है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि OX क्या है. सो वेयर इज़ OX? फर्स्ट वी सी इन द फिगर, फिगर में OX कहाँ है? OX, यानी यहाँ से ये डिस्टेंस को हम कहेंगे OX. वॉट इज़ OX? OX क्या है? रेडियस, राइट? सेंटर से लेके सर्कल के पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे? रेडियस. तो OX इज रेडियस, हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे रेडियस, RADIUS. सो यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग रेडियस, राइट? नेक्स्ट वन इज XY इज कॉल डैश. XY क्या है? आपको देखना है X और Y कहाँ पे? X एंड Y, यानी दिस इज अ XY, राइट? सो वॉट इज डैट? ये XY क्या है? यहाँ पे हमें नेम दिया है और हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, यानी द कॉर्ड विच पास फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड द, वॉट इज दैट? डायामीटर, यानी एक्स वाई शोज द डायामीटर. तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे डी आई ए एम ई टी ई आर. सो यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ डायामीटर ऑल्सो. क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? तो ये सारी स्पेलिंग आपको लर्न करनी है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओ जेड इज कॉल, वॉट इज ओ जेड? ओ जेड कहाँ पे है? पहले फिगर में हम देखेंगे ओ जेड, यानी हम ये बात कर रहे हैं इसकी. ओ जेड क्या है आपको? वॉट इज द स्टूडेंट्स? Who will say this? OZ is radius. Center से लेके सर्कल के पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसे रेडियस कहते हैं. That means OZ is also radius. तो हम यहाँ पे लिखेंगे students radius. Clear? It's very easy. Just keep in your mind radius किसे है, chord किसे कहते हैं, diameter किसे कहते हैं और circumference और center. You just learn this. You can write any answer. Now student next question is EF is called dash. What is EF? पहले हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे ई एफ कहाँ पे है. ई एफ वॉट इज दिस स्टूडेंट्स? ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के दोनों पॉइंट को टच करता है. वॉट इज दैट? ई एफ इज द कॉर्ड, राइट? तो हम ई एफ को में आंसर क्या लिखेंगे? सी एच ओ आर डी, कॉर्ड. क्लियर? और स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ सी डब्ल्यू आई हैव गिवन द डेफिनेशन ऑफ ऑल दिस रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सर्कमफेरेंस. Okay, so you have to revise it one time and then you can solve this answer very easy way. Now, O is called dash. What is O? O kahan hai? This is O, that means it shows the center. The center point is O. So, O kya hai? Center. Center ki spelling kya likhni hai? C-E-N-T-R-E, center. So, keep in your mind, center ki spelling mein garbadi na ho. Theek hai? So, you have to learn this, all the spellings. Clear? तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे अदरवाइज, यानी ये जो नेम है उसके अलावा कोई भी आपको नेम दे, यू कैन आइडेंटिफाई द रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सर्कमफेरेंस एंड सेंटर. ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सी हियर वन मोर थिंग आई एम टू से, कैन यू सी दिस डॉटेड लाइन? व्हाट इज दैट? वो क्या है? ओ ई, ओ ई इज ऑल्सो रेडियस. ओ एफ, ओ एफ इज ऑल्सो रेडियस. सेंटर से लेके सर्कल के कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस है तो वो रेडियस ही होगा. ओ एफ इज ऑल्सो रेडियस. क्लियर? सो आपको समझ में आ जाएगा. आपको यहाँ पे डिफरेंट नेम दी हो, दैट ऑल्सो यू कैन आइडेंटिफाई द रेडियस एंड एवरीथिंग. लेट्स सी द नेक्स्ट वन फ्रॉम दिस फिगर, राइट ट्रू और फॉल्स. स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस फिगर वी हैव टू राइट ट्रू और फॉल्स, यानी जो ये कंडीशन दिया है वो सही है या गलत वो हमें लिखना है. वट इज़ अवर फर्स्ट कंडीशन? ओ एक्स इज इक्वल टू ओ जेड, यानी हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो कंडीशन है ओ एक्स एंड ओ जेड इक्वल है वो राइट है या रॉन्ग है, यानी ट्रू है या फॉल्स है. तो लेट्स सी द फिगर ओ एक्स. तो पहले हम देखेंगे ओ एक्स, यानी दिस इज ओ एक्स, राइट? एंड वॉट इज दैट नेक्स्ट वन? ओ जेड. दिस वन इज ओ जेड, राइट? ओ एक्स एंड ओ जेड इक्वल है ऐसा बोल रहे हैं, राइट? वॉट इज आवर कंडीशन? ओ एक्स इज इक्वल टू ओ जेड, राइट है? ओ एक्स एंड ओ जेड इक्वल है, दोनों क्या है? रेडियस. रेडियस का डिस्टेंस इक्वल होता है बिकॉज इट्स फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से लेके सर्कल के पॉइंट का इक्वल डिस्टेंस होता है कोई भी साइड पे हो. दैट मीन्स ओ एक्स एंड ओ जेड आर इक्वल, दैट मीन्स दैट इज ट्रू. हम यहाँ पे लिखेंगे टी आर यू ई, ट्रू. क्लियर? समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट वन इज ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ, यानी ओ ई एंड ओ एफ इक्वल है. इक्वल है ना, इक्वल टू का साइन है ना, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है. लेट्स सी इन द फिगर. Where is OE? That means OE is here and OF, right? What is it? दोनों क्या है? Radius है.
मैंने अभी बताया कि रेडियस का डिस्टेंस, हर एक रेडियस का डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस होता है, इक्वल होता है. दैट मीन्स ओ ई एंड ओ एफ भी इक्वल है. सो दैट इज़ ट्रू. हम आंसर में लिखेंगे टी आर यू ई, ट्रू. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन, एक्स वाई इज इक्वल टू टू टाइम्स ओ एक्स. यानी एक्स वाई का जो डिस्टेंस है वो ओ एक्स से डबल है, टू टाइम्स है. सो लेट्स सी इन द फिगर. फर्स्ट सी एक्स वाई. देखो ये एक्स वाई है, राइट, यानी डायमीटर है, राइट. और हमें क्या पूछा है, टू टाइम ओ एक्स. वॉट इज दैट, टू टाइम्स ओ एक्स, यानी ओ एक्स से डबल है. तो ओ एक्स कहाँ पे है, दिस इज ओ एक्स. ओके, अगर हम ओ एक्स एक बार लिखेंगे और वापस सेम इतना ही लिखेंगे तो वो डबल करेंगे तो एक्स वाई बन जाएगा. ओके, दैट मीन्स दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू. क्लियर, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. एक्स वाई इज इक्वल टू टू टाइम्स ओ जेड. यानी एक्स वाई का जो डिस्टेंस है वो ओ जेड से डबल है. समझ में आ रहा है. फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द कंडीशन, कंडीशन जो दिया है वो समझना है, देन यू हैव टू राइट ट्रू और फॉल्स. यानी एक्स वाई इज इक्वल टू टू टाइम्स ओ जेड. यानी एक्स वाई का जो डिस्टेंस है वो ओ जेड दो बार हो जाएगा तो वो कम्प्लीट हो जाएगा, वो हमें देखना है. अगेन सी एक्स वाई, एक्स वाई डायमीटर है, ओ जेड कहाँ पे है. देखो दिस इज ओ जेड, राइट, क्लियर. तो अगर ओ जेड दो बार करेंगे तो वो एक्स वाई जितना हो जाएगा. यस, बिकॉज अगर आप ओ एक्स ले लो या ओ जेड ले लो या ओ ई या ओ एफ, हर एक रेडियस का डिस्टेंस इक्वल होता है. अगर ओ जेड को हम टू टाइम्स करेंगे तो वो एक्स वाई बन जाएगा. यानी रेडियस एक्स वाई इज द डायमीटर. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है. वॉट इज दैट रेडियस, कोई भी रेडियस ले लो. देखो ये ओ वाई इज ऑल्सो रेडियस, ओ एक्स इज ऑल्सो रेडियस, ओ जेड इज ऑल्सो रेडियस, ओ ई ऑल्सो एंड ओ एफ ऑल्सो. दिस ऑल आर द रेडियस एंड ऑल द रेडियस डिस्टेंस इज इक्वल. समझ में आ रहा है. अगर ये ओ जेड 2 सेंटीमीटर है तो ये बाकी सारे रेडियस भी 2 सेंटीमीटर ही हो गए. क्लियर, समझ अंडरस्टूड दिस. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. एक्स ई एफ वाई एंड जेड आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफियरेंस. यानी ये जो सारे पॉइंट्स है वो सर्कमफियरेंस पे है. स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न दिस स्पेलिंग ऑफ सर्कमफियरेंस. सर्कमफियरेंस मीन्स वॉट, वॉट आई एक्सप्लेन यू. सर्कमफियरेंस मीन्स द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफियरेंस. यानी ये जो बाउंड्री है उस ओके उसे कहते हैं सर्कमफियरेंस. और हमारा क्वेश्चन ये है कि दिस ऑल पॉइंट्स आर ऑन सर्कमफियरेंस. सो लेट्स चेक इट आउट. एक्स ई एफ वाई एंड जेड. सो सी एक्स इज ऑन सर्कमफियरेंस, ई देन एफ वाई एंड जेड. दिस ऑल आर ऑन सर्कमफियरेंस, बाउंड्री पे है सर्कल की, राइट. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. टी आर यू ई, ट्रू. क्लियर, समझ में आ गया. दिस ऑल पॉइंट्स आर ऑन सर्कमफियरेंस. नेक्स्ट वन, एक्स वाई इज इक्वल टू ई एफ. नाउ वॉट इज द कंडीशन, एक्स वाई इज इक्वल टू ई एफ. यानी एक्स वाई एंड ई एफ इक्वल इज सेम है. लेट्स सी इन द फिगर. सी दिस इज एक्स वाई, राइट, एंड दिस इज ई एफ. ओके, सो वॉट इज ई एफ. ई एफ क्या है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे लिखा है. देखो ई एफ इज अ कॉर्ड, राइट. तो ई एफ कॉर्ड है और एक्स वाई इज ऑल्सो कॉर्ड. बट वाई दिस इज, बट दिस इज अ डायमीटर बिकॉज विच पासिस फ्रॉम द सेंटर. अगर जो कॉर्ड सेंटर में से पास होता है वो बन जाता है डायमीटर. और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. ई एफ इज ऑल्सो कॉर्ड बट ई एफ डायमीटर जितना लॉन्गेस्ट नहीं है. क्लियर स्टूडेंट्स, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है. देखो आप विजुअली भी देख सकते हो कि ये बड़ा है और ये छोटा है. और डायमीटर कहीं पे भी कॉर्ड होगा, यहाँ पे है या कहीं पे भी कॉर्ड है, वो डायमीटर जितना लंबा नहीं होगा. जो सेंटर में से पास हो रहा है कॉर्ड वही सबसे लॉन्गेस्ट होगा. वो ऐसे भी हो सकता है, देखो मैं ऐसे भी डायमीटर बना सकती हूँ. कहीं से भी जो कॉर्ड सेंटर में से पास हो रहा है वो डायमीटर बनाएगा और वो लॉन्गेस्ट होगा. यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, राइट. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ए एल एस ई. क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया हाउ टू सॉल्व दिस ट्रू और फॉल्स. तो दिस आर द कंडीशंस यू हैव टू सी इन द फिगर एंड देन यू हैव टू राइट ट्रू और फॉल्स. क्लियर स्टूडेंट्स,
suppose here the different name is given, so you have to solve the answer as per the name. अगर मैंने यहाँ पे एक्स वाई की जगह ए बी लिखा है या पी क्यू लिखा है, तो as per this name you have to write the answers. Okay, you have to just understand the conditions and then you have to solve these questions. Okay? I hope you have understood both the exercise. Thank you.